द्वितीय जन्म में निष्ठा निष्ठा के
संसार में भजन करो। सब तरह से चित्त को जबरदस्ती एकाग्र करके समय कीर्तन स्मरण की में लाओ। और यात्रा की जिनको हो गया दूसरे जाम में प्रातः काल लीला का स्मरण करते हुए हरिनाम करें। स्त्री में अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति सब और इसी तरह से क्रमशः चलो। जब अनर्थ निवृत्ति इतनी संपूर्ण रूप से हो जाएगी, हृदय निर्मल हो जाएगा, तब अपना सिद्ध दे अपने आप पांचवी दर्गा में, पांचवी दर्गा में चैतन्य महाप्रभु के कृपया हो जाने के बाद भजन करते करते गुरु सेवा करते करते अपने आप की गद्य की खुशी होगी। गुरुदेव उसमें सहायता करेंगे और सब चीज सिद्ध देते उनका भजन। जो लोग क्रम को धारण नहीं करके भजन करते हैं, सिद्धदेव पहले आरम्भ कर देते हैं और गोपी बन करके भगवान की भजन की चिंता करते हैं, उनका परमात्मा पतन हो जाता है। इसलिए सावधानी से ये तत्पश्चात इसी तरह से अजात रूपी के लिए निशा रुचि आसक्ति भाव और समतम प्रेम की निशा और जागृति के लिए समतम प्रातःकालीन लीला, पूर्वाह्न लीला, मध्याह्न लीला, सायान्न लीला, प्रभोष लीला इस प्रकार से स्मरण करें। उसमें उन्होंने पहले तो कन्या का सौभाग्य मुखिया भजन कर उनसे श्रेष्ठ गायों कविता बाटी गई पूर्णा कुलिंदिया गोवर्धन की और पहाड़ी जातियों कुलिंदी इनका सौभाग्य कृष्ण के चरणों से निकला से दुर्गा की घाट पर कुमकुम को उठाकर सारे अंगों में दीपक कर वो क्या करते हमारा जन्म ऐसा है और वो कभी कौन का रहे हैं राधिका उन्हीं के मतत्तर का कुमकुम और वो ऐसा इसके बाद में और बढ़ते गए कई सखाओं का वर्णन किया सखा ब्रह्म तुम्हारे गोपी वाले जो योगी प्राण है मन से भी उनके चरणों का ध्यान में भी नहीं अल्लाह सकते और वो सपा लोग उनके साथ भी खेल रहे हैं। कभी कृष्ण से कुर्सी लड़कर से कृष्ण को ही पराजित कर रहे हैं। मैं तुम लाइटिंग कर और उनसे भी बड़ा इसराया हास्य कर लंका के यशोदा का पकड़ो लंका की प्रोध ब्रह्मण श्रेय यो महोदय यशोदा का महाभारत और लंकाना ने उनका ऐसा सफर किया जिसको गोदी में लेकर के कृष्ण को खिला रहे हैं। अमियान बंदे मैं कृष्ण को नहीं उनके बाबा नंद बाबा को मैं जिनके आनंद में ये खेल रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और महाबाबा नंद बाबा से भी अच्छी उसमें बैठा करके उनको संपन्न कर बाकी गाय इत्यादि पर कृष्ण उनके पुत्र बने और उनसे भी अधिक से गोपियों का गोपियों का कृष्ण के प्रति बहुत अधिक प्रेम है
कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे प्रेम का उल्लंघन नहीं करूंगा, भले ही तुम अपने साधु स्वभाव से हमें क्षमा कर दो, बुरे न कर दो, मैं किंतु तुम्हारा निधि ही रहूंगा। और शुद्धाचार्य जी अब बतला रहे हैं प्रसिद्ध साधु जी, उन गोपियों ने भी सर्वाराध्य श्रीमती नारायण महाभाव स्वरूप मदना इत्यादि भावों से कृष्ण की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर दिया। उनके बिना राधकृष्ण असुर इसलिए वो कह रहे हैं first, the sequence of attainment of devotion by the Ajahn Ruchi Prasada, or the Sarak in whom Bhagavati has not appeared, has been given by Sri Thakur Bhaktivinoda. As Sadhu Sangha, association with Sandy Person, Shraddha, say, then Guru Parashraya, taking shelter at the feet of the bona fide spiritual master, then Vishwam Dena Guru Seva, serving the spiritual master with intimacy. Therefore, service to the spiritual master should be formed without duplicity. Because if you try to cheat Gurudev, it's not possible. Because like Krishna, if you get cheated, then Gurudev is also not less than you. See, Krishna says in Gita, Jagatamanta Pajate, Kamsa Seva Vajanam Yama. Oh, Arjuna, I reciprocate according to your surrender. So Guru is also like it. If we try to cheat it, then we will be cheated ourselves. We are always remember the verse of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nadanam, Nadanam, Namsundari, Namitam, Vajagadisha Kame. We should perform it also in regards to the Sri Guru. If one is serving Guru and desires wealth, he will achieve a lot of wealth, but he will be cheated from spiritual life. Therefore, one should always serve Gurudev and the Vaishnava without any duplicity. And then automatically, one will become engaged in the service of Bhagavan. So from the Ajahn Ruchi Sada, after the achievement of Strada, then comes Nishtha, or fixed determination. In his Bhagavad-gita, Sri Bhaktivinoda Thakur has also given the sequence for members of the Eightfold Pastimes of Sri Krishna, or the Asa Kali Lila. That is why it is called a Jasadati Sada, for a devotee in whom Bhagavati has awoken. That devotee will also have a sequence of remembering from Nisana Lila, Prakal Lila, Purana Lila, etc. Therefore, the second yanam, or the second division, for the Ajati Ruchi Sadak has been given here as Nishtha. That means by force one should engage the mind and intelligence in hearing, chanting, and remembering Sri Krishna. And for the Jati Ruchi Sadak, the Sadak in whom Bhava has awoken, in the second yam, they will remember the Prashkali Lord of Krishna. The third yam, for the Ajati Ruchi Sadak, Ajati Ruchi Sadak is Anasana Priti, or the cessation of unwanted desires. And after the anarchist has been completely removed from the heart, and the heart is pure, then automatically one will realize one's siddhadeha, or eternally complete spiritual identity. In the fifth verse, I am under the Nuja Kami, and I'm happy to come with the Nuja. And here is given one's identity, one's spiritual deha, siddhadeha will be realized. At that time, the devotee will first realize, and Guru will give some assistance at that time. Therefore, those who do not perform bhajan according to this sequence of first removing the nasas, then realizing one's siddhadeha, can actually try to be opposite
they first try pushing out the arm or the entanglement of spiritual body. Before there are no more analysis, the result is they will completely fall out from spiritual life. In this fifth verse, therefore propose a Jasper Rishi Sadak and Jasper Rishi Sadak, the sequence of attainment has been given. Therefore, we are also giving the glory now, the non moving and non moving entities of Godhead. The Godhead has sent down your son over the mother, you are behind the air. Just see the glory of the Holy Spirit, the Grand Mercy Krishna. But the political, the low caste Aborigines who live on the rocks of Govardhan, they are even more fortunate than the animals. Who is glorifying the Pulindi? Shrimati Radhika. She is glorifying the Pulindi. But she has forgotten that that Buddha, that kumkum which the Pulindi are running on their body, that is her Buddha. That is coming from her body. So, but even more fortunate than the Pulindi are those with the Krishna and Sakura on a moon of friendship. He comes to come from the Sakami Mundiya Sakya Gamanam Paladeva Tena. Oh, how fortunate the coward boy. The yogis can learn and fix their minds on the feet of Sri Krishna, but the coward boys are directly playing with him. Sometimes they defeat him in wrestling, and they run towards Krishna. Come forward, Bhama. Come forward, Bhama. I will touch him first. I will touch him first. But even more fortunate than those in Sakura are those in Vatsalira, like King Nanda and Yasoda. Nanda King Kuro Brahmana, Strainly Ram Mahadaya, Yasoda Ram Mahadaya, Pamboya, and Samanthani. Oh, what austerity has Nanda Bhagavan performed that he can take Sri Krishna on his lap? There was Samahan Nanda Bhagavan, and in Pamboya. I worship that Nanda Bhagavan, because the Supreme Master of Truth is rolling in his courtyard. But even more fortunate than Sri Nandabhava, Sri Yasoda Devi, because she takes Sri Krishna not only in her lap, but she also feeds him breast milk. Therefore, not only Mother Nanda Yasoda, but the child and the neighbors all serve Krishna in the moon of Vatsalira, all like mothers and fathers to Sri Krishna. But even greater than these, the devotees of Vatsalira are the gopis. Sri Krishna himself admitted in Rasmila, that party is not the village of Samyam. O complete number table, you should simply be satisfied with your own samsa or saintly qualities. Therefore, Krishna believes he cannot repay the debt he owes to the gopis, and of all the gopis, she might radically to the topmost, because she is Mahabhakturu. She is content, she is. Even Krishna says, even if you, by your saintly qualities, free me from that debt that I owe you, still I will be indebted to you. There are all gopis Shrimati Radhika in the best because she is Mahabhavasuru, and she only fulfills all the desires of Sri Krishna. Therefore, Radha Radha, Sarvaja Vidho, Anantrika Sarvindavan, Tantatam Shim, Anantrika Vrindavan, therefore, Sri Vishnu Sakharam Sambha has said, therefore, three people cannot achieve the feet of Krishna. सेवा अत्यंत आवश्यक इसलिए बदलाव है जहरा श्रीमती राधिका चरण कमल धूलि के आराधना करें जाए जहरा कृष्ण के राधि शक्ति कमली राधा श्रीमती राधिका चरण पुलिसी के धूसर सर्वत्र प्रतिबंधक के जहां आश्रय करे जाए और श्री
श्रीमती राधिका के प्रिय भक्त लोग उनके तत्व को जानने वाले रसिक संसर्गित वैष्णव है, उनका आश्रय नहीं लिया, वो कभी भी राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम नहीं प्राप्त। श्याम सुंदर श्याम अर्थात राधिका जी के भाव में कैसे इसने राधा जी की चरणों की सेवा हमारा अंतिम लक्ष्य और जीवन का क्या अंतिम गोल है उद्देश्य है। इसीलिए कहते हैं हजारी राधा अरविंद नरेश मराठी राधा मथुरा चिंता पदार्थी राधा करुणा तो मम नती कहते हैं कि मैं राधा जी के चरण को जो भारी भजन करता हूँ स्मरण मदन मंदोरी राम का स्मरण करता हूँ राधा जी का ही स्मरण करता हूँ और बदानी राधा अरविंद गणेश का कमल नैनी श्रीमती राधिका जी जो कृष्ण की सप्त में सेवा करता सभी समय उनका नाम सुख आरोप इसके अतिरिक्त कहे जा रहे हमारा कोई गति नहीं है सभी वासनी सभी वासनी सभी वासनी नाश्वान प्रया बिना राधे समझना यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारी वो हे श्रीमती राधिका तुम्हारी केवल मात्र तुम्हारी है यदि आपने नहीं कृपा की तो इस प्राण से इसलिए कहते हैं राधिका उज्ज्वल रसय आचार्य राधा उन्नत उज्जवल श्रृंगार रस के आचार्य है कृष्ण की भी गुरु है इसलिए उनको भी नाचना गाना की आती है उनको श्याम रस की जाती है कृष्ण के कराये श्याम रस मधु का निरंतर पूर्ण करे श्री कृष्ण ने रखा कराधिकार गुण लक्ष्य पूजन राधा माधव को प्रेम कभी चाहिए ये धरेगा राधा पर माधव तीनों नाम से मैंने राधा जी का चरणार्थी अपने हृदय में रख लिया एक पाई का कृष्ण पद अमूल्य कृष्ण सुख की वजह से ही उनकी सेवा दी है राधा पद भी कृष्ण नहीं मिले बिना राधिका जी के कृपा के कृष्ण नहीं मिलते राधिका राधिका कृष्ण सर्व राधिका जी की नहीं राधिका जी की तो बहुत उनकी राष्ट्रियों के ही कृष्ण है राधिका जी तो और बात इसलिए हम लोगों के साथ इस महीने में जो कुछ आप लोगों ने सुना उसको अपने हृदय में धारण करके जाए जीवन का अंतिम उद्देश्य यही रखे हम इससे राधा पर शांति अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते किंतु इसके लिए उपदेशानुत से चलो नीचे से चलो जब तक अलग रहेगा तब तक राधा जी का भजन नहीं होगा और जब तक गुरु से बात इस संबंध में नहीं होगी तो भी इसका सुख नहीं होगा अलग सुख नहीं होगा इसलिए मन को स्थिर कर इन हरि कथाओं को अपने हृदय में देख करके लौटो खाली हाथ मत लो तुम लोगों का जीवन इसे उपयुक्त हो भगवान से प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधिका जी से प्रार्थना करते हैं तुम लोगों का जीवन सफल हो और यही ले करके खा ले बड़े बड़े धनी मानी सज्जन भी आए हैं
अभी पैर के चले नहीं खाली पैर और यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा संस्थानों की परिक्रमा खाली पैर चले हैं। घर में सब प्रकार की सुविधा है, यहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं है। आप लोगों को फर्ज जरूर हुआ होगा इस प्रकार से दिया गया है आप लोगों के कल्याण के लिए, इसलिए कुछ कष्ट हो भी तो उसको भूल जाने की चेष्टा करेंगे। कहेंगे सब लोगों से बहुत अच्छा व्यवस्था थी, खाने पीने के रहने के लिए सब व्यवस्था थी और हमारे साथ में आप लोग हमारे साथ में चलिए परीक्षा में और देखिए जितनी तरह आगे हो गए। से भी अधिक दयालु है इसलिए वहाँ पर चलेंगे और महाप्रभु जी की कृपा लाभ उनकी कृपा से ही Therefore, when you return your home, you should forget any trouble
experience here. And you can tell your friends and the other devotees, oh, Prabhupada's was excellent. There was no trouble whatsoever. And with the same enthusiasm, all just come for another week quite around here, beginning March 16th, next year. Because Nabi Dhamma is even more merciful than this Vrindavan Dhamma. And by the mercy of Srimad Mahaprabhu, one can appreciate the service of Srimad Radhika. Gopinamananda. Hare Krishna. Some devotees are requested for initiation to take place 9 a.m. I need help of devotee of the group and with Hari Prabhu. और तुम भक्तों लोग शिक्षा की अनुरोध किया है तो ये 9 बजे होगा और जो हम फैल सकते बैठे घटे बैठी का सुनिधि महाराज का कीर्तन महाराज आप करते हैं। आज क्या हमारे व्रत पंचम दिन हमारे आत्मीय चले जाए आपका अनुरोध अपना प्रसाद पाल कर आज सकते विदाय ग्रहण कर रहे हैं And we have arranged some buses for go to Vrindavan about 2:30 p.m. Whoever wants to go by bus to Vrindavan, please raise your hand according to the number we can arrange buses. Program of the Ravan Bihari Goryamat annual function
is going to be celebrated. You are most welcome. So, most welcome. Thank you. जो लोग प्रचार में जाएंगे, वो लोग पहले बातें करेंगे, उसके बाद और लोग करेंगे। जब जो प्रचार में जाएंगे, वो लोग को जाना सबसे जरूरी है। Thank you.